नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। नमस्ते। जी तो अभी हम लोग अभ्यास एक के स्टेप टू पे कल चर्चा कर रहे थे। अभ्यास एक में हम स्वयं द्वारा स्वयं को देखने का अभ्यास कर रहे हैं। उसके स्टेप वन पे हमने अपनी कल्पनाशीलता के प्रति सजग होने का अभ्यास किया, उसमें भी मुख्य रूप से अपने भाव के प्रति सजग होने का अभ्यास किया। और ये अभ्यास किया कि जैसा है वैसा उसको देखना है, बिना मूल्यांकन किए, बिना प्रतिक्रिया किए, बिना कोई बदले, बिना अपने आप से कोई जोड़े घटाए, जैसा है वैसा उसको देखना है। जो भी कल्पनाशीलता में चल रहा है उसको देखना है। कल्पनाशीलता को देखने गए तो विचार तक तो देखना हो पाया, भाव को देखने में थोड़ी कठिनाई हुई, तो उसको लेकर जो भी कठिनाइयां होनी है उसको भी हमने शेयर किया, डिस्कस किया। यदि विचार देख पा रहे हैं, भाव नहीं दिख पा रहा, तो हम विचार के पीछे भाव को पूछ सकते हैं, उसके प्रयोजन को देखते हुए, तो भाव भी स्पष्ट होने लगता है। तो अभ्यास एक में हमने अपने भाव को सजग होने का अभ्यास किया है, और ये भी बात हुई कि इसे अब हम बनाए रखेंगे। ये एक अनिवार्य भाग है हमारे अपने विकास का, क्योंकि भाव में ही परिमार्जन से ज्ञान की शुरुआत है। इसे इसको अपने आप में बनाए रखना है, इसको देखते रहना है। अब स्टेप टू में हम उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि जो भी मेरे अंदर भाव है वो मुझे सहज रूप से स्वीकार है कि नहीं। उसी को दूसरी तरह से देखा तो क्या ये मानवीय स्वभाव के अनुरूप है कि नहीं। तीसरी तरह से देखा तो क्या मैं इसकी निरंतरता चाहता हूं कि नहीं। इसी को लेकर कल हमने डिस्कस किया था। कल दिन भर के ऑब्जर्वेशन से यदि किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो उसको ले सकते हैं। नमस्ते सर, गुड नमस्ते सर। मॉर्निंग जी गुड मॉर्निंग। सर। जो कल पूरा दिन अपने आप में भाव को देखा तो भाव उठ के यही आ रहा है कि बॉडी और सेल्फ में जो को एग्जिस्टेंस है, तो बॉडी तो उस बॉडी को हम अगर हम खाना दे रहे हैं तो वो फिजियो केमिकल से हम उसको फुलफिल कर रहे हैं, और मैं को हमने नर्चर करना है अपने थॉट्स में, अपने को सही राइट अंडरस्टैंडिंग से, और राइट अंडरस्टैंडिंग से तभी हो सकता है जब हमें ज्ञान का ज्ञान हो। तो ये जो दो चीजें कल मैंने भाव में डिस्कस करा, आखिर में यही आया कि बॉडी को हम फिजियो केमिकल से फुलफिल कर रहे हैं और सेल्फ को हम अपने नर्चर कर रहे हैं अपने विचारों से और अपनी नॉलेज से और अपनी राइट अंडरस्टैंडिंग से। बस ये बहुत पूरा डिस्कशन के बाद की जब सर आपने कल मेरे को कहा कि खाना बनाने के पीछे क्या भाव है, तो भाव तो यही समझ आया कि हम अपनी बॉडी को फुलफिल कर रहे हैं। जी, तो जो बॉडी की आवश्यकता है वो भौतिक रासायनिक वस्तुओं से पूरी होती है, जो मैं की आवश्यकता है वो सही समय सही भाव से पूरी होती है, और हम दोनों के लिए अलग अलग कार्यक्रम बनाते हैं। तो भौतिक रासायनिक वस्तुओं के लिए हम उत्पादन करते हैं, सही समय सही भाव के लिए हम स्वयं जांचते हैं, परखते हैं, जीकर देखते हैं। बट अपने भाव की सजगता को बनाए रखने का थोड़ा और अभ्यास करना है ना। जी ठीक है सर, थैंक बढ़िया यू सर। दीदी। सर मैं चाहता हूं सर, ये जो इच्छा विचार आशा है, जी इसे सर जो एक बार सर थोड़ा एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं साहब। जी इस पर कई बार बात हुई। इच्छा मतलब मैं कुछ होना चाहता हूँ, एक व्यक्ति के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में, समाज के एक व्यक्ति के रूप में, प्रकृति के एक इकाई के रूप में, है ना, कुछ होना चाहता हूँ, इसको इच्छा कहा। इसी को लेकर मेरे अंदर भाव है, जो मैं होना चाहता हूँ उससे जुड़ा हुआ मेरा भाव है, और वो भाव समझ के अभाव में, मान्यताओं के आधार पर भी हो सकता है, संवेदनाओं के आधार पर भी हो सकता है। अगर कुछ समझ पा रहे हैं तो समझ के आधार पर हो पा रहा है, नहीं तो जो सहज स्वीकृति है उसके आधार पर हो पा रहा है। तो ये इच्छा हुई, अब इसको कैसे पूरा करें, जो मैं होना चाहता हूँ उसको कैसे पूरा करें, इसको लेकर विचार है। और फिर हम आशा में ये आशा करते हैं कि पूरा हो जाए, उसका आस्वादन करते रहते हैं अपने आप में, उसके लिए चयन करते रहते हैं, ये आशा है। तो सबसे पहला इच्छा होगी सर,
जी, इच्छा के आधार पर विचार चलेगा, विचार के आधार पर आशा चलेगी, अगर क्रम से चले। परंतु होता यह है कि अभी चूंकि हमारा अपना विकास उतना नहीं हुआ है और इच्छा के स्रोत या यूं कहें कल्पनाशीलता के स्रोत बहुत सारे बाहर बने हुए हैं, तो हो सकता है पहले कोई आशा ही हो जाए। बट फिर अगर अपने आप में क्रम बनेगा तो इसी क्रम में बनेगा, इच्छा विचार आशा। जैसे ऐसा हो सकता है कि आपको कोई चीज सामने दिखाई दी, उसका आस्वादन हुआ, ठीक, और उसी क्षण चयन होने लगा कि इसको पूरा कर लिया जाए, खा लिया जाए, पी लिया जाए, घूम लिया जाए, देख लिया जाए। अभी इच्छा तक बात पहुंची नहीं है, आशा में ही चयन होने लगा, है ना। फिर उसके बाद जब बैठे अपने आप में, तब फिर उस पर विचार हुआ, फिर उसके ऊपर फिर और ध्यान दिया कि मैं इस तरह से होना क्या चाहता हूँ, तो फिर वहां जाके इच्छा में वो बात कहीं बैठी, एक संस्कार का रूप ले लिया। अब संस्कार के आधार पर आपके अंदर वो भाव तैयार होते रहेंगे, विचार चलता रहेगा, उसके लिए आशा बनी रहेगी। तो ऐसा भी हो सकता है, तो अभी रैंडमनेस है, अभी निश्चितता नहीं है, अभी उथल पुथल है। जी जी जैसे सर घर पर कोई मिठाई देखी खाने की, पहले सबसे पहले इच्छा हुई उसमें, फिर वो जी करता है इसे खाऊं ना खाऊं, वो एक वो विचार चला। हाँ, उसमें अगर आप देखें तो इच्छा के असर पर क्या हो रहा है, स्वाद से सुखी होने की इच्छा हमारे अंदर बनी हुई है। अब मिठाई उसके लिए एक उदाहरण में आ गया, तो हमारे अंदर स्वाद से सुखी होने की इच्छा बनी हुई है, पहले से ही बनी हुई है, ठीक। जब मिठाई सामने आया तो लगा कि ये जो हमारे अंदर इच्छा बनी हुई है वो यहाँ से पूरी हो सकती है। तभी विचार चला, क्योंकि आपके अंदर स्वस्थ रहने की भी इच्छा बनी हुई है, स्वस्थ रहें, तो लगा कि अगर स्वास्थ्य से सुखी होने जाते हैं तो हो सकता है स्वास्थ्य बिगड़ जाए। अब उन दोनों में आप विचार करते हैं, इस क्षण में क्या चुनूं, स्वास्थ्य को चुनूं या स्वाद को चुनूं। हो सकता है स्वाद को चुन लिया अपने विश्लेषण तुलन से, तो फिर चयन कर लिया कि ठीक है खा लेते हैं, दो पीस नहीं एक ही पीस खा लेते हैं, एक पीस में क्या बिगड़ जाएगा, ऐसे चलता है। इसमें सब आशा क्या हुई, फिर आशा हुई जो आपने चयन किया खा लेते हैं, और जैसे वो सामने दिखाई दिया था उस समय से उसका आस्वादन आपके अंदर चलने लगा, ये मिठाई तो बहुत अच्छी है, लजीज है, पिछली बार खाया था, है ना, बहुत अच्छा लगा था, बहुत मजा आया था, उसका आस्वादन आपके अंदर काम करने लगा। जी सर, जी सर, जी ठीक सर, थैंक यू सर। बढ़िया बढ़िया भैया, तो इसको अपने आप में देखना है कि मेरे अंदर जो भाव चल रहा है, जो विचार चल रहा है ना, उसके प्रति सजग होना है, और अपने भाव के स्तर पर देखना है कि मुझे सहज रूप से स्वीकार है कि नहीं। तो जैसे अभी जो भैया ने उदाहरण लिया, नरेश भैया ने उदाहरण लिया, अब विचार में अगर हम देखने जाएंगे तो सहज स्वीकृति का पता नहीं चलेगा, ये मिठाई खाना ठीक है या नहीं ठीक है इसको तय करना होगा, तो विचार में तय नहीं हो पाएगा, क्योंकि सहज स्वीकृति तो भाव के स्तर पर तय होता है। मैं स्वस्थ रहना चाहता हूँ या अस्वस्थ रहना चाहता हूँ ये तय हो सकता है, है ना। मैं स्वाद से सुखी होना चाहता हूँ या स्वयं सही समझ सही भाव से सुखी होना चाहता हूँ ये तय हो सकता है अपनी सहज स्वीकृति से कि नहीं। तो हम अपने भाव को सजग होंगे और उसको अपने आप में मूल्यांकन करेंगे कि ये भाव मुझे सहज रूप से स्वीकार है कि नहीं, ये भी अनवरत अपने अंदर किया जाने वाला काम है। तो सहज स्वीकृति की बात तो हम लोग करते ही रहे, डे वन से करते रहे वर्कशॉप में, ठीक। अब ये कह रहे हैं कि अपने भाव के प्रति सजग होकर अब उसको जांचे, तो क्या होता है कि सहज स्वीकृति शब्द हमारे सामने आता है, बट आप पाएंगे कई प्रश्न आते हैं सहज स्वीकृति को लेकर, और सहज स्वीकृति और स्वीकृति इन दोनों में हम अंतर नहीं कर पाते, इसलिए क्योंकि हम विचार के स्तर पर जाकर देखने का प्रयास करते हैं, भाव के स्तर तक हम पहुंच नहीं पाते, इसलिए तय नहीं हो पाता। जैसे अगर अपने आप से पूछना हो कि स्वास्थ्य सहज रूप से स्वीकार है या शरीर को खराब करना स्वीकार है, तय हो जाता है, है ना। सुखी होना चाहते हैं दुखी होना चाहते हैं, तय हो जाता है, भाव के स्तर पर तय हो जाता है। ये मिठाई खाएं कि वो मिठाई खाएं, ये सहज स्वीकृति से तय नहीं होगा, क्योंकि विचार का मुद्दा है। तो अपने आप में देखना है, है ना, इस क्षण आप में जो भी भाव चल रहा है उसके प्रति सजग रहें, जो भी भाव चल रहा है उसे देखते रहें, उसका मूल्यांकन करें बिना किसी प्रतिक्रिया के,
किसी भाव या विचार को बनाए रखने या हटाने का प्रयास अपनी तरफ से ना करें। जिस भाव में आप आराम में रहते हैं उसे बनाए रखने का प्रयास ना करें। जिससे परेशान रहते हैं उसे रोकने या हटाने का प्रयास ना करें। बस सजग रहें, अपने में जो भाव चल रहा है उसे देखें और मूल्यांकन करें कि ये मुझे सहज रूप से स्वीकार है कि नहीं, और इसको ही अपने आप को निरंतरता में करना है। तो भाव में परिमार्जन के लिए ये अपने आप में तय होना तो जरूरी है कि ये भाव मुझे सहज रूप से स्वीकार है कि नहीं। एक बार तय हो जाए कि स्वीकार नहीं है तो दिखता है कि भाव में ही गड़बड़ी है। अब इस भाव के अंदर मैं जो विचार करूंगा, जैसे द्वेष का भाव आ गया अपने अंदर किसी के प्रति, और ये द्वेष का भाव सहज रूप से स्वीकार नहीं है, हमको दिख गया, तो फिर द्वेष को विचार में फैलाएंगे नहीं, है ना, अपने आप नहीं फैलाएंगे। फिर द्वेष का विकल्प क्या है उस पर ध्यान देंगे, और वहां से फिर हमारे लिए चिंतन पक्ष जागृत करने का अभ्यास शुरू हो जाता है, प्रयास शुरू हो जाता है कि अगर द्वेष सहज रूप से स्वीकार नहीं है तो फिर स्वीकार क्या है, उसको देखते हैं अपने आप में, है ना, कि यहाँ इस क्षण में इस व्यक्ति के प्रति क्या भाव है जो सहज रूप से स्वीकार है। अगर द्वेष स्वीकार नहीं तो क्या स्वीकार है। तो अगर भाव के प्रति हम सजग हो जाएं तब तो चिंतन पक्ष में काम हो सकता है, क्योंकि उसके मूल्यांकन के साथ उसके लिए प्रेरणा बनती है देखने की कि सहज रूप से स्वीकार क्या है। अगर भाव को सजग ना हो पाए तो फिर हम उस द्वेष को विचार फैलाते हैं और फिर उसे हम बहते रहते हैं, घंटों घंटों बहते रहते हैं, फिर अपने आप को जस्टिफाई करते रहते हैं, अगले को ब्लेम करते रहते हैं और सब चलता रहता है, और उसका दुख भोगते रहते हैं आस्वादन में। जी नमस्ते भैया जी, नमस्ते। ये जो आप एक एक्टिविटी करवा रहे हैं ये बहुत ही मतलब सार्थक लग रही है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, बहुत बहुत कृतज्ञता, क्योंकि इससे मतलब अपने अंदर देखने का एक प्रयास भी हो रहा है और कुछ कुछ ऐसे निकल के आ रहा है, ऐसे लग रहा है जो पहले नहीं हो पा रहा था। जैसे मैं अपने आप में एक चेंज ये देख पा रही हूँ अभी, कि पहले मैं खुद में ही परेशान होती थी और फिर जो ये प्रोसेस को भी अब मैं अपने आप में आज की स्टेट में तो ऐसा लग रहा है कि मैं जो दिख रहा है मुझे कि मैं लोगों की कुछ परेशानियों को अपने आप में देख पाती हूँ कि उसकी मैं क्या मदद कर सकूं, ये विचार मेरे मन में चलता है, तो इसको मैं भाव रूप में थोड़ा समझना पा रही हूँ, समझना चाह रही हूँ, मतलब ये भाव है या विचार ही चल रहे हैं, क्योंकि मैं उसके लिए ही जैसे आप बोलते हैं सोचने के लिए या 10 मिनट हम बैठे भी तो वही चलता है कि हाँ इसको आज मिला था या कल ये कोई मुझे कहीं पे भी, कहीं मैं शॉप पे भी कुछ लेने जा रही हूँ तो वो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जा रहे हैं और मैं कहीं ना कहीं कुछ पुट दे पाती हूँ या फिर वो मतलब कुछ ऐसा हो रहा है कि बहुत कनेक्शन बहुत जल्दी हो पाता है। तो मैं इस चीज को कैसे देखूं, जैसे मैं एक एग्जांपल हूँ कि मैं कल ही कुछ सामान लेने पहचान वाली शॉप पे ही गई थी, वो बहुत परेशान थे तो मैं मतलब वो उनको कनेक्ट कर पाई, फिर मैं उनको वो थोड़ा आराम से बात करते करते उनसे उनको एक कूलनेस पे ला पाई कि आप क्यों परेशान हो रहे हो भाई, आप तो बहुत अच्छे से पहले जॉली नेचर के हो, आप तो बहुत अच्छे से बात करते थे, आज आप बहुत टेंशन में दिख रहे हो, क्या बात है। मतलब एक लिटरली मैं तो सामान लेने गई थी पर आधी घंटा मैं उनसे बात करके और मैंने देखा कि वो बहुत कूल फील करने लग गए थोड़ी देर बात करके। फिर मैंने उनसे कुछ शेयर भी किए, कुछ यूसोम भैया जी के वीडियो शेयर किए और उनको बोला कि आप आराम से थोड़ा पढ़ के देखिए, ऐसा सब हुआ और बहुत मतलब अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा कि मैं उनकी कुछ मदद कर पाई। तो ऐसे कनेक्शंस मैं बहुत देख पा रही हूँ अपने अंदर, जबकि पहले जब मैं आंखें बंद करती थी तो एक टाइम था जब सिर्फ रोना आता था या नींद आती थी, तो ये अब मुझे ग्रेजुअली दिख रहा है। तो मैं इसमें भाव और विचार को थोड़ा कनेक्ट करना समझ नहीं पा रही हूँ भैया जी, प्लीज गाइड मी। तो जिनके साथ आपने संवाद किया उनके प्रति संबंध का भाव था या विरोध का भाव था? जी बिल्कुल संबंध का भाव ही था, मतलब मैं संबंध ना होते हुए भी उनको एक छोटे भाई के रूप में देख पा रही थी। जी तो बस वही देखना है, संबंध का भाव है जी, 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 संबंध का भाव है ना। वही अगर विरोध का भाव होता है तो आपका व्यवहार अलग प्रकार का होता, आपका विचार भी अलग प्रकार का होता। जी बिल्कुल भैया जी, ये तो नहीं दिख रहा है क्योंकि ये तो बहुत दिख रहा है, मतलब अभी ट्रेन में भी ट्रेवल कर रही थी 2 दिन पहले, तो जब हम 4 लोग ही बैठे थे तो मतलब एक कनेक्टिविटी भाव ऐसे बन गया और वो कनेक्ट भी हो रहे थे,
मतलब बहुत इजीली कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है, जो एकदम गुस्से में थे वो भैया कि नहीं मैं आपसे सीट चेंज नहीं करूंगा, एक्सचेंज नहीं करूंगा, मेरी बर्थ ऊपर थी और उनकी नीचे थी, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, पर बाद में वही मुझे फोर्सफुली नहीं, आप ही नीचे की नीचे सो क्योंकि आपको तकलीफ है, आप ऊपर नहीं चढ़ पा रहे हो बार बार, तो उन्होंने रिक्वेस्ट करके मुझे सीट चेंज करके ऊपर की वो सोने चले गए बर्थ पे। तो ये मतलब संबंध का भाव इतना मतलब ऐसे अच्छा दिख रहा है, और अभी उनसे मेरी वापस कनेक्टिविटी बनी हुई है, मैं उनको कुछ शेयर कर रही थी, उनके नेगेटिव थॉट्स को मैं देख पाई और मैं उनसे बात कर पाई उस बारे में थोड़ा थोड़ा कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है, तो मैं आपको शेयर करती हूँ आप देखिए। तो ये मुझे बहुत सुख सुख दे रहा है, मतलब अपने आप में मुझे बहुत सुखद लग रहा है। बढ़िया बढ़िया दीदी जी, भैया जी धन्यवाद, शेयर करते रहें, इसको अभ्यास में ले आए कि हर क्षण अपने भाव को सजग होना है और फिर उसका मूल्यांकन करना है। तो ये भाव आ रहे हैं इसीलिए विचार बन रहा है, या विचार में ही मैं घूम रही हूँ, ये मैं एक समझना चाहती हूँ। भाव तो है ही, आप भले उसको देख ना पाए। जी जी, भाव तो है ही, है ना जी। तो हम सबके अंदर कोई ना कोई भाव है, चाहे वो सहज रूप से स्वीकार हो या ना हो, अब उसके प्रति सजग होना है, फिर उसका मूल्यांकन करना है। जी, तो इस प्रोसेस को मैं कैसे बेटर कर पाऊं, जैसे आप बता रहे सजग होना, देख पाना, तो ये मैं देख नहीं पा रही हूँ, समझ नहीं पा रही हूँ अभी, तो प्लीज मुझे ये बताइए कि मैं इसको और कैसे बेटर कर पाऊं। हाँ, तो उसी के लिए तो हम लोग ये अभ्यास कर रहे हैं। तो ये बात होती है कि भाई हर 4 घंटे पे कम से कम 20 मिनट आधा घंटा अपने साथ लगाएं और देखें। अगर खाली विचार दिख रहा है तो विचार के पीछे भाव को देखें, जैसे आपने जो भी विचार किया उसके पीछे पर्पस क्या था, क्या था, जैसे मुझे किसी का हेल्प करना है, क्यों करना है, तो संबंध का भाव है तभी तो हेल्प करना है। हाँ जी बिल्कुल, करना चाहता हूँ इसलिए तो हेल्प करना है जी, है ना जी। तो इस बात को अपने आप में देख सकते हैं, तो इसको अभ्यास में ले आए, अभी दिनचर्या में इसको शामिल करें। ये आपके लिए एक होमवर्क है कि जब तक ये सुबह का सत्र चल रहा है तब तक मुझे अपने अंदर भाव की सजगता को बनाए रखना है, जो भी काम करना है उसकी सजगता के साथ। बिल्कुल बिल्कुल जी भैया, बढ़िया दीदी, बिल्कुल धन्यवाद भैया जी। तो उदाहरण के लिए अगर देखें तो किसी ने आपको धोखा दिया, आप 2 घंटे उससे बदला लेने की सोचते रहे और अंत में उस विचार को ड्रॉप कर दिया। अब जांचे कि इन 2 घंटों में आप में संबंध का भाव था या विरोध का भाव था, क्या लगता है? अगर बदला लेने की सोच रहे हैं तो भाव कैसा है, संबंध का है विरोध का है, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर किसी से बदला लेने की सोच रहे हैं तो संबंध का भाव है या विरोध का भाव है? विरोध का भाव है जी। फिर ये देख सकते हैं कि यह भाव आपको सहज रूप से स्वीकार है कि नहीं, आप इस भाव की निरंतरता को बनाए रखना चाहते हैं या नहीं। तो आप ये देख सकते हैं कि आप में विरोध का भाव था, यह भाव आपको सहज स्वीकार नहीं है, आप इस भाव की निरंतरता को नहीं बनाए रखना चाहते हैं, है ना। दूसरी ओर कोई व्यक्ति है जिसने आपकी बहुत मदद की है और आप उसके लिए कुछ अच्छा करने का विचार कर रहे हैं। अब इस दौरान आप देख सकते हैं फिर से कि आपके अंदर संबंध का भाव है या विरोध का भाव है। ये भी देख सकते हैं कि ये भाव को सहज रूप से स्वीकार है कि नहीं, और आप इस भाव की निरंतरता को बनाए रखना चाहते हैं या नहीं। तो दोनों स्थितियों में हम देख सकते हैं, और आप इसको मानने से भी शुरू ना करें कि ये संबंध का भाव है कि विरोध का भाव है, आप बस देखें, है ना। तो भाव भी एक वास्तविकता है, ये आपको पता लगेगा। अभी हमें ये सब चीजें एब्स्ट्रैक्ट लगती हैं, ऐसा लगता है कि इनके बारे में ठीक से क्या बात हो सकती है, है ना, ये तो कुछ है पता नहीं क्या है। तो अभी उसको हम शुरू में तो देखें, जब उसको नाम भी ना दें कि संबंध है कि विरोध है, कई बार आपको पता लगेगा कि ये तो कोई भाव भी है कि नहीं, या है तो इसको कोई नाम भी दे सकते हैं कि नहीं, क्या कहेंगे इसको, है ना। तो इसको बस ऑब्जर्व करें और फिर उसके बाद उसका मूल्यांकन करेंगे, संबंध का भाव है कि विरोध का भाव है। तो आप ये देख सकते हैं कि आप में संबंध का भाव था और ये आपको सहज से स्वीकार है यदि आप किसी की मदद करने की सोच रहे हैं और आप इसी निरंतरता को बनाए रखना चाहते हैं। तो ऐसे हम अपने अंदर सजग हो सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं
अपने भाव के प्रति सजग हो सकते हैं, उसे अपने आप में देख सकते हैं, और इसको थोड़ा ओपन एंडेड रख के चलें, एक खुले तौर पर देखें इसको अपने आप में, कि जो भी है जैसा है वैसा उसको देखना है, फिर उसका मूल्यांकन करेंगे, आगे चलकर मूल्यांकन करेंगे जी। ये बात स्पष्ट है, किसी का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। तो अभी 10 मिनट का समय लगाते हैं, है ना, और अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि अभी हमारे अंदर जो भाव है वो हमको सहज रूप से स्वीकार है कि नहीं। तो हो सकता है इन 10 मिनटों में आप सहज स्वीकृति के घर पे जांचने काम ना कर पाए, सजग तो हो सकते हैं, सजग हो ले फिर उसके बाद जांच भी सकते हैं। तो 10 मिनट का समय लगाते हैं, 6:54 हो रहे हैं, 7:04 तक हम लोग ऑब्जर्व करेंगे।
जी बढ़िया। तो पिछले 10 मिनट में बहुत सारा विचार चला होगा आपके अंदर, हर एक विचार के पीछे कोई भाव रहा होगा, उसके प्रति सजग होने की बात थी और उसको अभी हम लोग करते रहे। और आप पाएंगे कि इस अभ्यास को करते करते हमारी सजगता की ऐसी स्थिति बनने लगती है कि हम हर क्षण अपने भाव प्रति सजग होते हैं। तो जो बात हो रही कि मैं और मेरा भाव, ऐसा अपने अंदर एक बना रहता है। और जब इस भाव में परिमार्जन शुरू हो जाता है तो फिर उस भाव के साथ जो परिमार्जित भाव है ही आप विचार करते हैं। फिर अभी जो श्रम हो रहा है भाव को देखने में, विचार को देखने में, उस श्रम से आप मुक्त होने लगते हैं, क्योंकि सहज रूप से आपके अंदर वो भाव बना रहता है जो आपको सहज रूप से स्वीकार है। मगर उसके पहले इतना श्रम करना तो जरूरी है, इससे कम में वो बात बनेगी नहीं। जी भैया नमस्ते सभी को। आज भी मैंने कल जैसा ही एकदम ट्राई किया, बराबर आपका 6:54 से लेके 7:04 तक लगातार अपने आप में जो भी भाव आ रहे उसको ऑब्जर्व करने का प्रयास किया। और हमेशा की तरह आज भी मैंने ये देखा है कि जिस काम को नॉर्मली सभी लोग कठिन समझते, उदाहरणार्थ हम अभी एग्जाम दे रहे, अभी NPTEL स्वयं के एग्जाम कल परसों हो गए 29-30, तो उसमें ज्यादा मतलब संबंध का भाव नहीं आता है, ये क्यों करना है क्या करना है। लेकिन मैं अपने आप में ये देख रहा हूँ कि जिस भाव से मैं गत 2 साल से उसको कर रहा हूँ, तो वही भाव अभी भी जब मेरे जो अभी 10 मिनट हम सोच रहे अपने बारे में, तो मुझमें ये हुआ कि अगले सेमिस्टर में या अगले 2-3 महीने में हमें क्या करना है, और उस भाव में मैं निरंतर रहना चाह रहा हूँ। तो क्या ये मेरा रहना सही है, या मेरा जो कुछ भी डेवलपमेंट हो रहा है ये सही दिशा में हो रहा है? कोई भी विरोध का भाव नहीं, किसी के भी प्रति नहीं, तो ऐसा नहीं। अभी जो मुद्दा ही अलग है, अभी ये संबंध या विरोध का मुद्दा नहीं है। जैसे आप NPTEL का एग्जाम दे रहे हैं, है ना, क्यों दे रहे हैं? जी भैया जी, भाव 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 के प्रति। हाँ अभी NPTEL ऐसा सुन लीजिए, जो NPTEL का एग्जाम दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं? हाँ नहीं, क्यों दे रहे हैं उसको पूछिए अपने आप। तो हमेशा निरंतर सुख पाने के लिए हम ये कर रहे हैं, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है। वो तो ठीक है, वो तो आपकी मूल चाहना है। NPTEL का एग्जाम देने के पीछे भाव क्या है, तो NPTEL एग्जाम देने का पर्पस क्या है? अपनी कॉम्पिटेंसी बढ़ाना। क्यों बढ़ाना? नहीं भैया उतना नहीं बता पाऊंगा, मतलब बस इतना जानता हूं मैं कि निरंतर सुख में रहने के लिए जो मुझे सहज स्वीकृत है कि भैया मैं टीचर हूं, तो ये थोड़ी पढ़ाई करके या कुछ करके अपन सहज स्वीकृत करके अगर ये हो जाता है तो उससे मैं हैप्पी रहने लगता हूँ। मुझे उसमें अभी बहुत सारी बातें मिक्स हो गई, इनफैक्ट टिपिकल एग्जांपल कैसे हम गलती करते हैं। हाँ, तो आपने कहा कि भाई निरंतर सुखी होना चाहता हूँ, ठीक है ना, ये तो अपने को सुनने में आया, तो अपने को ध्यान में भी है, उसको कह सकते हैं। अब जो भी हम कर रहे हैं उसको सहज स्वीकृत करके हम कुछ करने का प्रयास करें, अब क्या हुआ, बिल्कुल उल्टा काम हो गया जी भैया। हम सहज स्वीकृति को नहीं देख पा रहे हैं, बल्कि जो भी कर रहे हैं उसको हम सहज स्वीकृत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जो भी हम कर रहे हैं, जो हमको अच्छा लग रहा है उसी को, ये बराबर है ना वर्ड मेरा, जो हमको मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे सेल्फ को अच्छा लग रहा है, उसी को मैं सहज स्वीकृत करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, जबकि एक उल्टा हो गया काम। अच्छा अच्छा, तो सीधा मतलब काम ये है कि सहज स्वीकृति क्या है उसको देखेंगे जी भैया, है ना, और फिर इसके आधार पर निर्णय लेंगे। अच्छा मतलब सहज स्वीकृति, मतलब फिर से मैं वही एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि मुझे खुश रहना है, निरंतर सुख में रहना है, तो उसके लिए मुझे हमेशा ही जो चीज मुझे खुशी देती है उसे उसे ही करना पड़ेगा ना। क्या देती है खुशी, उसे को तो देखना है। हाँ मतलब निरंतर कुछ ना कुछ काम करते रहे, खाली बैठे रहोगे तो जैसा दिल में कुछ अलग अलग भाव आते, वही 10 मिनट जो हमने अभी चेक किया कि तुम अगर तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं है, जो कुछ ना कुछ करते रहना है, क्या करना है, क्यों करना है। जी जी भैया जी, इसमें अभ्यास करने की जरूरत है। इसको देखिए तो होता क्या है कि एक तो हमने अपने आप में स्वीकार लिया भाई निरंतर सुखी होना चाहते हैं, बट बहुत सारी मान्यताएं हो सकते हैं वहां मिक्सअप हो रही हैं,
संवेदनाओं का प्रभाव मिक्सअप हो रहा है। तो हम जो भी कहते हैं करते हैं उसको हम यही कहने लगते हैं कि मैं निरंतर सुखी होने के लिए कर रहा हूँ, ठीक। परंतु यदि हमारा भाव ठीक नहीं है वहां पे तो सुखी हो भी नहीं पाता हूँ। फिर उल्टा काम ये करता हूँ कि मैं उस भाव को सहज सुखित बनाने का प्रयास करता हूँ, वो और उल्टा काम हो गया है कि ऐसा है कि मेरे अंदर किसी के प्रति कॉम्पिटिशन की फीलिंग है, द्वेष का भाव है, और अब मैं उसको सहज सुखित बनाने का प्रयास करूंगा, उसमें मैं उलझ जाऊंगा। फिर तो हमको जैसा है ना वैसा देखना है और फिर से जांचना है सहज सुखित के आधार पर, ना कि ये सारा करना है ना कि हम अपने किसी विचार को ही लाकर उसको हम जस्टिफाई करें अपने आप में, फिर उसके पीछे भाव है जस्टिफाई करें, ये सब नहीं करना है अपने को। जैसा है वैसा ऑब्जर्व करना है और फिर उसको जांचना है, उसको मूल्यांकित करना है। जी 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 धन्यवाद जी, धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा चल रहा है, 10 मिनट वाला बहुत पसंद आया मुझे। जी भैया नमस्ते सभी को। जी भैया भैया सभी को नमस्ते। जी नमस्ते भैया, मैं ये देख पा रही थी कि सजगता तो बहुत ज्यादा मेरा बना हुआ है और काफी उस महीन से मैं चेकिंग कर पा रही हूँ। अब कल की एक चीज उदाहरण के लिए, जैसे अभी आपने बोला कि किसी की हेल्प करना है तो क्यों करना है, तो उसको मैं देख पा रही थी कि एक संबंधी का भाव तो बना हुआ है, हेल्प भी चलो मैं दे दूंगी, लेकिन उसके पीछे एक मेरा भाव ये बना कि मैं इनको हेल्प दूं तो क्यों दूं। ये भाव तो मेरा पहले से बना हुआ था, पहले भी मैं दे ही रही थी और सभी के लिए ऐसे दे रही थी, पर कहीं ना कहीं जैसे कुछ एक घटना घटा है ना, जैसे आपने कहा कि किसी के हेल्प करना चाहती हूँ तो क्यों करना चाहती हूँ, और किसी ने अगर धोखा दे दिया तो उसमें मुझे फिर सोचने की बात है ना कि देखने की संबंधी का भाव है कि विरोध का। तो मुझे ये लगा भैया कि थोड़ा सा मैं अपने को पीछे खींचा मैंने, और ये मुझे दिख रहा था कि मुझे यहाँ अपना लाइन खींचने की जरूरत है और मुझे देना है हेल्प तो क्यों देना है और कितना देना है उसको मुझे समझ के देना, क्योंकि फिर उसमें मेरी खुशी नहीं रहती है, उसमें मुझे चैन नहीं रहता अगर मैं ऐसे दौड़ के हेल्प दे देती हूँ। और एक लिमिट तक ये दिख रहा था कि अगर मैं हेल्प दे देती हूँ और वो उसको एक तरह से वो उस चीज को नहीं ले पा रहे, उनका जो भाव है वो एक अलग तरीके से बना हुआ है, और ये लग रहा था कि वो डिपेंडेंसी मेरे पे ना बनती जाए, तो इस चीज को भैया मैं देख पा रही थी। तो क्या ये ठीक है कि नहीं, मुझे आप इसमें बताइए। जी बढ़िया दीदी, तो जब किसी को हेल्प भी कर रहे हैं तो हमारे संबंध का भाव तो है, बट हम साथ में मूल्यांकन भी करते हैं कि जब मैं संबंध के भाव के साथ अगले व्यक्ति का निर्वाह करता हूँ तो अगले व्यक्ति का फिर निर्वाह मेरे साथ किस प्रकार होता है। तो यदि मैं सुविधा दे रहा हूँ तो उसमें ये संभावनाएं हैं जो आप कह रहे हैं, डिपेंडेंसी बन जाए है ना, और आदि आदि। संबंध के भाव को शेयर कर रहा हूँ तो उसमें थोड़ा विकास की संभावना ज्यादा होगी, और यदि मैं उसमें समझ इंश्योर कर रहा हूँ तो उसमें विकास की निश्चितता होगी। तो हम किसी को हेल्प भी कर रहे हैं और सिर्फ सुविधा के स्तर पे कर रहे हैं तब पे फसावटे हैं, परंतु यदि हम समझ के स्तर पे हेल्प कर पा रहे हैं और फिर उसके क्रम में सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं तो ये फसावटे नहीं है। जी तो जी भैया, हाँ जी भैया, तो यहाँ पे भैया मुझे ये दिख पा रहा था कि उनकी भी ये समझ बन जाए कि मैं हेल्प देने के लिए तैयार हूँ लेकिन एक मेरी भी लिमिटेशन है, और इससे ज्यादा मेरे को जबरदस्ती पुश मत करो कि मैं आपके लिए वो चीज करूं, क्योंकि मेरे को उसमें मेरी मेरी सुख चैन खो रही है और मैं उसको लेके आप जब सुविधा के स्तर पे हेल्प कर रहे होते हैं तो उसमें फसावटें रहती हैं, कठिनाई रहती है जी, है ना। बट यदि हम समझ के स्तर पे करते हैं तब ये फसावट नहीं रहती, क्योंकि दूसरे के अंदर समझ इंश्योर करने के लिए जो मेरी भागीदारी है उसमें मेरी अपनी समझ भी पुष्ट होती है, हमारी समझ भी बढ़ती है, अगले में भी बढ़ती है, संबंध का भाव भी बढ़ता है आपस में। तो अगर हम अपने संबंध के निर्वाह को सुविधा या शरीर तक सीमित करके रखें, ठीक है ना, और समझ और भाव पे काम ना करें तब ये कठिनाई रहेगी, उलझन रहती है। समझ और भाव पे हम सीधा सीधे जब काम करने लगते हैं तब ये उलझन नहीं रहती, तो हम वहां पे फिर एक सीमा के बाद कहेंगे हाँ, क्योंकि हमें दिखता है कि अगला व्यक्ति भी स्वावलंबी हो सकता है, अगला व्यक्ति अपनी सुविधा की आवश्यकता को श्रम पूर्वक खुद भी पूरा कर सकता है, मुझे हर व्यक्ति की सुविधा की आवश्यकता स्वयं पूरी करने की जरूरत नहीं है। तो आवश्यकता इस बात की नहीं कि मैं हर व्यक्ति के लिए सुविधा उपलब्ध कराऊं, आवश्यकता इस बात की कि हर व्यक्ति में सही समझ सही भाव हो, हर व्यक्ति स्वावलंबी हो। जी भैया देख पा रही थी भैया मैं इस चीज को, और बहुत ही मुझे अच्छा लगा कि
मैंने थोड़ा जैसे अपने को पीछे खींचा और मुझे थोड़ा खराब लगा अपने आप में कि क्या मेरे पास समय था, सब कुछ था, मैं दे सकती थी, पर मुझे लगा कहीं मेरी वजह से वो स्पॉइल्ड ना हो, और ना ही क्योंकि मुझे उनकी भी समझ बनानी है कहीं ना कहीं, तो मुझे उनमें उनकी समझ अपने हिसाब से बनेंगी, बट मुझे थोड़ा सा पीछे रख के लगा कि नहीं, मैं किसी का कारण नहीं बनना चाहती हूँ ऐसे। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं अपनी बिटिया को ही ले लूं कि बच्चा है वो मेरे से ही अपेक्षा करती है हर चीज की, लेकिन अगर मैं उसको दे दूं, उससे अधिक दे दूं, तो वो कहीं ना कहीं स्पॉइल्ड होगी और मिसयूज भी होता है वो, तो मुझे वहां क्या रोकना है, मुझे क्या लाइन खींचना है, ये मुझे जैसे मैं इस चीज को भैया देख पा रही थी, ऐसे संबंधी का भाव था उसमें पूरा और ऐसे देख पा रही थी। जी बढ़िया दीदी, नमस्ते भैया जी, नमस्ते सभी को, नमस्ते। मैं ये जो 10 मिनट का एक्सरसाइज है स्वयं में स्वयं को देखने का, तो मुझे शुरुआत में ऐसा हो रहा है भैया कि मैं कहां से शुरुआत करूं, ऐसा एक डाउट आता है कि मैं अभी मतलब क्या टटोलू खुद में, तो फिर धीरे धीरे एक आध मिनट में कुछ तो विचार आने लगते हैं, फिर मैं मतलब उन चीजों को देखती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि जब मैं सुबह में ये एक्सरसाइज करती हूँ तो मैं अपने भाव को पूरी तरह से टटोल नहीं पा रही हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। मतलब विरोध का भाव तो सुबह के मेरे सोच में नहीं रहता है, लेकिन ये भी देखा है कि दिन भर में जब मैं अपने भाव को देखती हूँ तो कई बार, मतलब कई बार तो नहीं लेकिन हाँ कुछ बार पक्के से विरोध का भाव आ रहा है। तो और ये भी मैंने सोचा है, मतलब जानने की कोशिश की कि क्यों आता है, तो शायद से मतलब काम अगर मैं मैनेज नहीं कर पाई ठीक से, कॉलेज जाने को देरी हो रही है, तो तब मुझे विरोध का भाव आता है, और फिर मेरे सामने जो भी रहता है शायद हर एक के बारे में विरोध का भाव आता है। तो मुझे समझ में नहीं, मतलब ये तो समझ रहा है कि ये मेरी इनएबिलिटी है शायद कि मैं टाइम को मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन इस विरोध के भाव को कैसे कम करूं। ये भी मैंने देखा है कि कॉलेज में ये विरोध का भाव बच्चों के प्रति या बाकी लोगों के प्रति बहुत कम हो गया। मैं बच्चों को पहले अगर बच्चों ने कुछ गलत किया तो डांटती थी, लेकिन आजकल मैं उनको समझाने लगी हूँ, डांटना बहुत कम हो गया है। तो ये फर्क तो मैं देख रही हूँ पिछले एक महीने से जो सुन रही हूँ और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही हूँ, ये फर्क मैं देख रही हूँ, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि भावों को मैं पूरी तरह से एनालाइज नहीं कर पा रही हूँ। तो इसको मतलब क्या और मैंने प्रयास करना चाहिए, ये आप बताइए भैया प्लीज। जी, तो उसके लिए ही अभ्यास कर रहे हैं ये। एक तरफ तो हम लोग कंटेंट को सुन रहे हैं, उसको स्वयं में जांच रहे हैं, उसको अपने पूरी कल्पनाशीलता में फैला रहे हैं, और दूसरी तरफ ये अभ्यास जो कर रहे हैं, तो उस अभ्यास में अभी हम लोगों ने सेकेंड स्टेप में ये बात की है कि जो भाव है सहज से स्वीकार है कि नहीं। जैसे आपको दिखा कि ये विरोध का भाव है और ये सहज रूप से स्वीकार नहीं, फिर आगे जब स्टेप से चलेंगे तो देखेंगे कि अगर ये हमें सहज रूप से स्वीकार नहीं तो स्वीकार क्या है। अभी ये संबंध का भाव कह देने से तो बात पूरी नहीं बनेगी, कि मैं कह दूं कि हाँ विरोध का भाव सहज रूप से स्वीकार नहीं है तो संबंध के भाव को सुनिश्चित करना है। फिर हम देखेंगे कि संबंध के भाव को सुनिश्चित करने का भी अर्थ क्या है, तो उसको हम संबंध के भाव को भी अपने आप में फैलाएंगे। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं बहुत स्लो जा रही हूँ क्या, मैं खुद को प्रॉपरली खुद के भाव को देख नहीं पा रही हूँ क्या, तो ये एक विचार मुझे थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा था कि मुझ में अभी तक पूरी तरह से चेंज क्यों नहीं आ रहा है। अभी देखिए, अभी तो हम लोगों ने जांचना परखना जी कर देखना शुरू किया है, अभी बहुत सारा काम हो सकता है बाकी हो, क्योंकि भाव के पीछे हमारे गहरे गहरे संस्कार है। हाँ, और उनके परिमार्जन हो पाता है जब हमारे अंदर ज्ञान सुनिश्चित होता है, उससे पहले तो स्थिति बनी रहेगी। तो अभी तो हम विचार से भाव तक पहुंच पा रहे हैं, अब भाव के पीछे जो संस्कार है उसको देखना है, और फिर संस्कार में क्या अज्ञान है उसको देखते हुए ज्ञान को सुनिश्चित करना। तो समय तो लगेगा, परंतु यह है कि जैसा आपने बताया कि अब आपके व्यवहार में काफी परिवर्तन आने लगा है, आपकी स्वयं की स्थिति में परिवर्तन आने लगा है, तो अच्छी बात है, इसको हम लोग सस्टेन कर सकते हैं, है ना? इसको बेसिकली मुझे जल्दी आ जाता था अगर कोई कुछ गलत कर रहा है, तो उस पे मैंने देखा है कि काफी कंट्रोल आया है। मतलब
जेन्यूनली ही गुस्सा होती थी, मैं किसी के ऊपर अननेसेसरी गुस्सा नहीं करती थी कभी भी, स्पेशली कॉलेज में बच्चे हमेशा कुछ न कुछ गलत करते हैं, पढ़ते नहीं है वगैरह, तो उसके लिए ही गुस्सा करती थी। लेकिन वो भी मैंने देखा है कि अभी काफी उसमें 60% चेंज आया है। तो मतलब हाँ, भाव के ऊपर काम करेंगे तो एक स्थायी परिवर्तन होगा। और कई बार ऐसे हो रहा है भैया कि मैं बहुत बार सोची कि मैं क्वेश्चन पूछूं मॉर्निंग सेशन में, पहली बार बात कर रही हूँ एक महीने के बाद, में एक ही बार हैंड रेस किया था, इससे पहले दो बार है मैं, लेकिन हर बार ये सोचती हूँ कि अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं तो भैया या दीदी क्या इसका मेरे मुझे जवाब देंगे, फिर मैं वो खुद ही मैं इमेजिन करके खुद ही को वो आंसर्स दे के मैं अवॉइड कर रही थी क्वेश्चन को पूछना। लेकिन फिर मैंने आज सोचा कि नहीं, मुझे क्योंकि ये भाव आने लगा कि अरे मैं बहुत स्लो जा रही हूँ क्या, मैं खुद में पूरी तरह से परिवर्तन नहीं ला पा रही हूँ। बिल्कुल पूछना है ना हर प्रश्न का। हाँ यस यस यस, धन्यवाद भैया, धन्यवाद। बढ़िया दीदी, तो अपनी कल्पनाशीलता को देखना है, कल्पनाशीलता में इच्छा विचार आशा इनको अलग अलग करके देखने का प्रयास करना है। तो आज के लिए गृह कार्य रहेगा, जब आपका अपने किसी रिश्तेदार, पति पत्नी, परिवार का सदस्य, दोस्त के साथ कोई अप्रिय व्यवहार हो जाता है, उस घटना का विश्लेषण करें। इस समय आपकी आशा अपेक्षा क्या है, इस समय आपके विचार में क्या चल रहा है, इस विचार के पीछे भाव क्या है। जब आप घर का कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जो बार बार करना पड़ता है, उस काम को करने के पीछे आपका भाव क्या रहता है। उदाहरण के लिए, जब आप बर्तन धो रहे हैं, आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप स्वयं की इच्छा से ऐसा कर रहे हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर काम थोपा गया है, और यदि आप काम ये नहीं कर रहे होते तो कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य कर रहे होते। इन दोनों स्थितियों में से आप कब सुखी होते हैं, कब दुखी होते हैं, एक उदाहरण है ना। ऐसे हम बहुत सारी चीजों में अपने को देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। इन दोनों स्थितियों में आप कब सुखी होते हैं, कब दुखी होते हैं, इसको अपने आप में ऑब्जर्व करना है। पहली स्थिति में आप दुखी हुए क्योंकि आप में उस काम के प्रति विरोध का भाव था, जबकि दूसरी स्थिति क्योंकि उसमें कार्य के प्रति स्वीकृति का भाव था। आप काम कुछ भी कर रहे हो, उसके पीछे जो भाव है, अंततः उससे आप सुखी या दुखी होते हैं। तो इसको हम देख सकते हैं, दिन भर में हम बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, है ना। हो सकता है हम खाना बना रहे हैं और भुनभुना भी रहे हैं, मुंह से शब्द निकल रहे हैं, ठीक है ना। उसके पीछे अगर देखें तो विचार में कुछ चल रहा है, किस व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, और पीछे में विरोध का भाव बना हुआ है, स्वयं में आवेश बना हुआ है। तो अब थोड़ा सजग हो जाएंगे तो भुनभुन भी जो कर रहे हैं वो नहीं करेंगे, जो काम करने में हाथों से है ना हमारी गलतियां हो रही हैं वो रुक जाएगा, जो विचार में बहुत सारा कुछ चल रहा है एक के बाद एक, और हम उसे दही की तरह मसते रहते हैं अपने अंदर विचारों में, है ना, वो कम हो जाएगा। क्योंकि भाव को देख सजग हुए, पता लग गया कि ये तो विरोध का भाव है, तो हम वहीं तय कर लेंगे उसे चलाना है कि नहीं चलाना है। अगर तो विरोध का भाव है तो अगले तक कम्युनिकेट जब होगा तब जाकर उसका दुख शुरू होगा। मेरा दुख तो इसी क्षण से शुरू हो गया है क्योंकि मैं अपने अंदर विरोध के भाव को ढो रहा हूँ, उसके साथ में ये अपने अंदर विचारों को मथ रहा हूँ, है ना, चर्निंग कर रहा हूँ अपने विचारों में, और उसके साथ में व्यवहार भी कर रहा हूँ, कार्य भी कर रहा हूँ। तो इस तरह से हम दिन भर के अपने एक्टिविटीज में ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना। इसको हम अपने आप में करते रहें, आज ये गृह कार्य है हम सबके लिए। तो ये एक तो भाव में सजग होने का जो अभ्यास है उसको हमको बनाए रखना है, और यदि आपके अंदर सजगता बनने लगती है तो फिर आपको वहां से अपने कल्पनाशीलता में भी एक तृप्ति दिखाई देगी। ये जो विचार को लेकर हम थक जाते हैं, अपने आप से बैठे बैठे थक जाते हैं, है ना। आपको अपने साथ एक घंटा बैठना है, कोई विचार उठ गया आपके अंदर, किसी के प्रति विरोध का भाव आ गया, उसको लेकर विचार चलता रहा, कोई घटना का विश्लेषण आपने शुरू कर दिया और उसकी आपने मथना शुरू कर दिया, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए था, बोल देना चाहिए था, चुप नहीं रहना चाहिए था, एंड सो ऑन चल रहा है घंटा, दो घंटा, चार घंटा, नहीं ऐसा होता है, नहीं होता है। अब उससे हम निकल पाएंगे क्योंकि उसके बीज को हमने देखा, देखो ये तो विरोध का भाव है इसलिए इतना सारा विचार चल रहा है।
तो इस पे काम कर पाएंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि अगर ये भाव हमें सहज रूप से स्वीकार नहीं है तो सहज रूप से स्वीकार क्या है उसको पहचानेंगे, फिर उसको अपने आप में सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। तो इसको आज हम लोग दिन भर करें, है ना, इसको एक असाइनमेंट के रूप में लें। नमस्ते भैया जी। नमस्ते भैया, प्रश्न पहले भी थोड़ा सा पूछा लेकिन थोड़ी और क्लैरिटी चाहिए थी। किया था एक उदाहरण से कि घर में मिठाई पड़ी है, फिर आपने उसको एक्सप्लेन भी किया था इच्छा विचार आशा में, पर इसमें जब आपने इच्छा विचार आशा को किया भैया तो यहाँ भाव क्या है वो स्पष्ट नहीं हो पाता, तो मुझे लगता कहीं इच्छा और भाव में फिर कंफ्यूजन हो जाता है। स्वाद से सुखी होने का भाव है। हाँ, स्वाद से सुखी होने का भाव है या स्वास्थ्य का भाव है, तो अब इसमें इच्छा भी तो यही भैया कि स्वाद से सुखी होने की इच्छा है और उससे स्वास्थ्य की भी इच्छा है, अंदर इच्छा बनी हुई कि स्वास्थ्य हो, तो बात फिर दोनों कनेक्ट हो गई, इच्छा और भाव एक ही बात हो जाती है। हाँ, तो अभी एक कह लें, देखिए अभी उसकी इतना बारीकी में क्यों जाए, अभी एक कह लें। देखिए मुख्य मुद्दा तो भाव को सजग होने का, आप पाएंगे कि उस भाव के साथ फिर हम चित्रित करते हैं अपने आप में, अपने जीने को चित्रित करते हैं, तो भाव साथ में बना रहता है। तो स्वाद से सुखी होने का भाव है, फिर उसको हम चित्रित करते हैं कि अगर इस स्वाद को बनाए रखना है तो कैसे जीना होगा, फिर हम चित्रित करते हैं कि खूब सारा पैसा कमाएंगे अगर तभी ये सब चीजें रोज खाने को मिलेंगी। तो स्वाद से सुखी होने का भाव है, अब हमारे चित्रण में क्या चल रहा है, खूब पैसा कमा के खूब सारी सुविधाएं जुटानी है, खूब नई नई चीजें रोज खानी है। और जो हम नीरो का उदाहरण देते हैं ना कि उसके अंदर स्वाद से सुखी होने का भाव था, तो क्या करता था कि वो पहले खूब स्वादिष्ट पकवान बनवाएगा अपने महल में। नीरो जो है रोम का शासक था, तो महल में पकवान बनाएगा फिर उसको खाएगा, उसने वैद्य पाले हुए थे, फिर उल्टी करेगा, है ना, फिर नए सिरे से फिर खाएगा, और ऐसा दिनों दिन चलता था। और नीरो के कारण बताते हैं रोम में एक संस्कृति जैसा बन गया था, ये लोगों का एक अभ्यास में आ गया था। तो क्या हुआ कि स्वाद से सुखी होने का भाव है, फिर हम चित्रित करते हैं कि स्वाद को बार बार पाने के लिए कैसा जीना होगा मेरा, उसको हम फैलाते हैं, फिर उसके लिए हम विचार करते हैं उसको पूरा करने के लिए। तो अभी भाव और इच्छा एक लग रही थी, एक कह ले, है ना, बट जो इच्छा है उसे बड़ी है, उसमें भाव समाहित है, म्यूटेड है। जी जी जी, ठीक है भैया, ठीक है, बढ़िया बढ़िया भैया। अभी इच्छा और भाव को एक लेके चले, जब आगे और बारीकी से दिखने लगेगा तो अच्छी बात है, बढ़िया। इतनी बात को लेकर किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं। तो आज हम इस काम को करें, और आप में से कितने लोगों ने अपने लिए एक जर्नल या नोटबुक बना लिया है जिसमें लिखने का काम कर रहे हैं, उसको लिखते चलें, है ना, ये आपके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, आप अपने ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, आपकी थीसिस तैयार होती जाएगी कि हमने अपने को ऑब्जर्व किया तो ये दिखाई दिया, फिर ऑब्जर्व किया ये दिखाई दिया, एक महीने बाद ये दिखाई दिया, दो महीने बाद ये दिखाई दिया, है ना जी। सुधीर भैया कह रहे हैं उन्होंने बना लिया है, उसको बना लें और उसको लिखते चलें। किसी ने मेल पे शेयर भी किया है, शेयर किया था, तो हर दिन का उन्होंने नोट लिखा है, बट जो लिखा है वो थोड़ा सा विचारपूर्वक ज्यादा लिखा है और सटल ऑब्जर्वेशन के साथ लिखना है। और यदि आपको लगता है कुछ ऐसी बातें उसमें जो सबके साथ शेयर नहीं करना चाहेंगे, तो आसान सा तरीका है कि आपने गूगल ड्राइव पे एक आप एक वर्ड फाइल ओपन कर लीजिए और उसमें लिखते चलिए हर दिन का, ठीक, किस बात से आप परेशान हुए, किस बात से आप आराम पाए, स्थिति क्या रही, कैसे आप उद्वेलित हुए, कैसे शांत हुए, फिर आप उसको जब ओपन करके पढ़ेंगे एक महीने बाद तो आप अपना ही रिसर्च पढ़ रहे होंगे कि देखो मैं ऐसा हूँ, व्हाट आई एम ये ऐसा है, व्हाट आई रियली वांट टू बी इसके बारे में प्रस्ताव तो सुना है, बट व्हाट आई एम कुछ ऐसा है। तो क्या होता है कि हम अपने स्मृति में बहुत सारी चीजों को स्टोर नहीं कर पाते एक साथ, तो आप पाएंगे कि उसको लिख लेने से वो हमारे अंदर स्टोर भी रहता है, और जब किसी निर्णय में पहुंचना होता है तो अपने सारे संस्कारों को एक साथ देख पाते कि देखो इतने सारे संस्कार मेरे अंदर बने हुए हैं और इसके साथ मुझे निर्णय लेना है, तो फिर उस निर्णय के बाद आप परेशान नहीं होंगे, निर्णय के पहले ही आप अपने संस्कारों को ऑब्जर्व कर पाएंगे, अपने भाव को ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। जी करें, अभी तक नहीं बनाया, 4 महीने हो गए, तो बना लीजिए। बढ़िया, तो समय हो चला है। यशवंत भैया
जी जी भैया, दो अनाउंसमेंट थी। हम में से जो साथी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है वो कृपया व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, क्योंकि जो डेली अपडेट्स है और असाइनमेंट्स इसी ग्रुप में आती है। इसी तरह से जो स्टडी मटेरियल और बाकी भी डिटेल्स है, जैसे UHVP का जो कोर्स है वो भी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, उसकी लिंक भी ग्रुप में पुट अप की जा चुकी है। और जो हमारे मॉर्निंग सेशन है उसके एडिटेड वीडियोस भी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भी, तो वो भी मतलब यूट्यूब को ज्वाइन करके हम लोग देख सकते हैं। बस भैया आज के लिए इतनी बात थी, तो क्या हम रुक सकते हैं? जी भैया रोक लेते हैं। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते। नमस्ते।